विश्वकर्मा में दंपति सहित तीन बच्चों की जलकर हुई मौत। विश्वकर्मा थाना इलाके के रोड नंबर 17 स्थित जैसल्या गांव में गुरुवार को खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग से पूरा परिवार जिंदा जल गया। हादसे में दंपति और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सिलेंडर और चूल्हा कमरे के दरवाजे पर ही रखा था, इसी कारण कोई भी बाहर नहीं निकल सका। हादसा सुबह करीब 7:45 हुआ। पुलिस उपायुक्त अशोक चौहान ने बताया कि परिवार जिंदा जलता हुआ देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों ने मृतकों के शवों को बाहर निकालकर कांवटी अस्पताल में पहुंचाया, जहां शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद एक ही चिता पर विद्याधर नगर मोक्षधाम में पांचों के शवों का दाह संस्कार किया गया। पुलिस के अनुसार हादसे में राजेश यादव, उसकी पत्नी रूबी, ईशु, दिलखुश और खुशमानी की मौत हो गई थी। मृतक परिवार बिहार के मोतिहारी के मधुबनी का निवासी था। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि राजेश करीब 15 साल से जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक ढलाई फैक्ट्री में काफी सालों से मजदूरी करता था। वह यहां एक कमरा किराए पर लेकर परिवार सहित रहता था। राजेश की पत्नी और बच्चे 4 महीने पहले बिहार स्थित अपने गाँव से आए थे, उसके बाद वो नहीं गए। प्रारंभिक तौर पर पुलिस का मानना है कि सिलेंडर में रेगुलेटर सही नहीं लगा और हादसा हो गया। विश्वकर्मा थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सिलेंडर के रेगुलेटर के पैनल से आग निकली थी, जिससे कमरे में फैल गई। राजेश आग बुझाने की काफी मशक्कत की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और आग से बचने के लिए कमरे के कोने में बैठ गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। पत्नी और बच्चे भी बाहर नहीं निकल सके। आग बुझाने की काफी अन्य किराएदारों ने मदद की, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके और सारा परिवार जल गया।